हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन दास। आज हम बात करने वाले न्यू बॉर्न इन्फेंट्स जो चैप्टर थे पीडियाट्रिक नर्सिंग का 6 चैप्टर, उसके सेकंड लेक्चर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में मैं बताया था कि हेल्दी न्यू बॉर्न बेबी किसे बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे एंड फिजिकल एक्टिविटी के आधार पे मैंने उसको क्लासीफाई करके आपको बताया था। थर्ड बात मैंने बताया था कि जो बेबी का नॉर्मल रिस्पायरेशन कितना होता है, हार्ट रेट कितना होता है, ये सभी डीपी कितने होते हैं, इन सभी चीज के बारे में मैंने बात किया था। तो अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो प्लीज आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें ताकि आप इस चीज की इस चैप्टर को समझने में कोई भी दिक्कत न हो। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी हुए स्टार्ट करते हैं न्यू बॉर्न असेसमेंट के बारे में। न्यू बॉर्न असेसमेंट में मैंने कल भी बताया था कि न्यू बॉर्न असेसमेंट को 3 स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहला वाइटल साइन, सेकंड एंथ्रोपोमेटिक मेजरमेंट एंड थर्ड वन इज हेड टू टो असेसमेंट। ये 3 हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला बात करेंगे वाइटल साइन के बारे में। तो वाइटल साइन के अंदर में सबसे पहला हम लोग मेजर करते हैं रिस्पायरेशन, कि बेबी का रिस्पायरेशन कितना है, तो 30-40 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल होते हैं। सेकंड बात करते हैं हार्ट रेट के बारे में, कि जो बेबी का जो हार्ट रेट होता है 120-160 बीट पर मिनट होते हैं। अगर बेबी जब स्लीपिंग फेज में होता है तब उसका हार्ट रेट 80-120 भी हो सकते हैं। तो इसमें कोई भी चीज घबराने की बात नहीं है, तो इसमें कोई देखा। फिर थर्ड वन इज टेम्परेचर, बेबी का टेम्परेचर मेजर करते हैं जो कि 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस होते हैं। बात करते हैं बीपी के बारे में, कि बेबी का ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं जो कि सिस्टोलिक 60-80 mmHg होते हैं एंड डायस्टोलिक के बारे में बात करें तो 25-40 mmHg होते हैं। आपको पता होगा कि सिस्टोलिक ऊपर वाले को बोलते हैं एंड डायस्टोलिक नीचे वाले को बोलते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको अभी भी अगर ब्लड प्रेशर मेजर करने नहीं आता हो बाय स्फिग्नोमीटर के द्वारा या फिर जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है उनके द्वारा, तो प्लीज आप हमारे प्रैक्टिकल वीडियो में जाए, प्लेलिस्ट में जाए और वहां से बहुत सारे प्रैक्टिकल का रिलेटेड आपके पास वीडियो वहां पे मिलेंगे। तो प्लीज आप उसे देखें और हॉस्पिटल से रिलेटेड अपना नॉलेज को इंक्रीज करें, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी बहुत ही जरूरी होते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि न्यू बॉर्न असेसमेंट को 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला वाइटल साइन मेजर करते हैं, सेकंड एंथ्रोपोमेटिक मेजरमेंट एंड थर्ड वन इज हेड टू टोस असेसमेंट। मैंने वाइटल साइन में सबसे पहला रिस्पायरेशन, हार्ट रेट, टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर, इन 4 को मेजर करते हैं। बात करते हैं एंथ्रोपोमेटिक मेजरमेंट के बारे में, कि एंथ्रोपोमेटिक मेजरमेंट में 4 चीज का मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहला हेड सर्कमफेरेंस, सेकंड चेस्ट सर्कमफेरेंस, थर्ड वन इज लेंथ ऑफ बेबी एंड फोर्थ वन इज वेट ऑफ बेबी। तो हम लोग एंथ्रोपोमेटिक मेजरमेंट में हम लोग 4 चीज करते हैं, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, लेंथ ऑफ बेबी एंड वेट ऑफ बेबी, इन सभी का मेजरमेंट करते हैं। तो चलिए इन सभी का नॉर्मल लेंथ के बारे में जानते हैं कि कितना हेड सर्कमफेरेंस होता है, चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है। तो चलिए इन सभी के बारे में बताते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने तो फ्रेंड्स जो स्टेप था एंथ्रोपोमेटिक मेजरमेंट उसमें हम लोग देखेंगे हेड सर्कमफेरेंस कितना नॉर्मल होता है, 33-37 सेंटीमीटर होते हैं। और चेस्ट सर्कमफेरेंस हमेशा याद रखना है कि हेड से 3 सेंटीमीटर लेस होता है चेस्ट सर्कमफेरेंस। तो यानी अगर 33 अगर कोई भी न्यूबॉर्न बेबी का हेड सर्कमफेरेंस है तो चेस्ट सर्कमफेरेंस कितना होगा, 3 माइनस कर देंगे यानी 30 सेंटीमीटर उसका चेस्ट सर्कमफेरेंस होगा। तो हमेशा याद रखना कि 3 सेंटीमीटर हेड सर्कमफेरेंस से चेस्ट सर्कमफेरेंस कम होते हैं। फिर बात करते हैं लेंथ ऑफ बेबी का, तो 45-55 सेंटीमीटर होते हैं। वेट ऑफ बेबी 2.5-3.5 केजी होते हैं। अगर 2.5 केजी से अगर कम वेट है तो उसको अंदर वेट में रखते हैं। फिर बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे थर्ड स्टेप में, हेड टू टोज एग्जामिनेशन। तो सबसे पहला हेड में हम लोग चेक करेंगे तो
तो सबसे पहला हेड पे चेक करेंगे, कटमार्क कहीं पे कटमार्क तो प्रेजेंट नहीं है, या फिर प्रेजेंस ऑफ हेयर, जो बेबी के जो सर पे हेयर सभी जगह प्रेजेंट है या नहीं, या फिर सिर्फ आगे में घना है, तो उसको सबसे पहले मेजर देख लेते हैं। उसके बाद कैपुट सैक्सिडियम, जो ये कैपुट सैक्सिडियम है उसको हम लोग चेक करते हैं कि हाँ वो कैसा है, उसको देख लेते हैं। फिर जैसे कि कैपुट सैक्सिडियम क्या है, उसको जब इसे प्रेस करेगा तो क्या नीचे की ओर दबते हैं, लेकिन अगर इसमें हार्डनेस हो तो उसको भी नोट करना है। और फिर एनी टाइप ऑफ उंड, हेड में कोई प्रकार का उंड तो नहीं है या फिर इन्फेक्शन तो नहीं है, तो इन सभी को नोट डाउन करना है। फिर इसके बाद हेड के बाद हम लोग एग्जामिन करते हैं आई का। तो चलिए जानते हैं आई के में क्या क्या चीज को देखते हैं जिसके बारे में जानते हैं। हेड के बाद हम लोग आई का एग्जामिनेशन करते हैं। तो आई में सबसे पहला सिमेट्री सिटी देखते हैं कि दोनों आई सिमेट्रिकल है या नहीं, तो उसको सबसे पहले चेक करते हैं। फिर कलर ऑफ कॉर्निया और स्केलरा का हम लोग कलर देखते हैं कि किस कलर का है, ब्लैक है या फिर ब्लू है, जो तो जिस कलर का है उस कलर को हम लोग नोट डाउन करेंगे। फिर एनी चार्ज डिस्चार्ज, आई से कोई किसी प्रकार का डिस्चार्ज तो नहीं ना हो रहा है, उस चीज को भी देखना है। और फिर देखना है कंजक्टिवाइटिस तो नहीं ना हो गया बच्चा को, तो उन सभी चीज को हम लोग क्या करना है, बच्चे में एग्जामिन करना है। और सबसे मेन चीज बच्चे के आई के साइड में टच करना है और देखना आई का जो मूवमेंट हो रहा है या नहीं। जब भी आप बच्चे के चीक या फिर कहीं पर अगर हाथ फिंगर को रखिएगा तो उसका जो आई है मूवमेंट करके आपके फिंगर की ओर देखेगा, तो उस मूवमेंट को भी हम लोग को चेक करना है। तो इस तरह से आई का एग्जामिनेशन भी करते हैं। फिर बात करते हैं ईयर के बारे में। ईयर के एग्जामिनेशन में सेम, जहां पे पेयर में कोई भी ऑर्गन्स रहेगा तो उसमें सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिसिटी देखते हैं कि एक वे लाइन में है या नहीं है, तो उसको चेक करते हैं। तो ईयर को भी हम लोग सिमेट्रिसिटी देखते हैं यहां से और यहां, ये दोनों को देखते हैं। यहां जो हमारा है स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलता है कि नहीं, तो वो सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। फिर देखते हैं एनी टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, जो ईयर है उसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। फिर चेक करते हैं जो पिन्ना है उसको टच करके देखते हैं कि हार्ड है या सॉफ्ट है, उसे देखते हैं। फिर देखते हैं हम लोग ईयर के इनसाइड में, हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्या करते हैं, ईयर को इस तरह से साइड नीचे ऊपर के साइड की ओर ऐसे खींचते हैं और फिर नीचे की ओर इस तरह से करके हम लोग ईयर के अंदर देखते हैं कि किसी प्रकार का डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, अंदर में उंड तो नहीं है या फिर कोई प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इस तरह से हम लोग बेबी का ईयर का एग्जामिनेशन करते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूं, सबसे पहला जो भी पेयर में ऑर्गन है उसमें हम लोग सबसे पहला सिमेट्रिसिटी देखते हैं कि सिमेट्रिसिटी है या नहीं है। फिर एनी टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, कि कहीं भी ईयर है उसमें कोई प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। फिर बात करते हैं जो ईयर के बारे में चेक करते हैं, तो सबसे पहला इस साइड खींचते हैं फिर ऊपर की ओर ऐसे करके हम लोग ईयर को देखते हैं अंदर में कि कोई एनी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, डिस्चार्ज तो नहीं है या फिर इन्फेक्शन तो नहीं है। इन सभी चीज को एग्जामिन करते हैं। फिर एक को देखने के बाद सेकंड देखते हैं। हमेशा याद रखना चाहिए कि अपने जो बेबी है उसके अपोजिट ईयर को हम लोग को क्या करना है, एग्जामिन करना है कि जिस साइड में उसी ईयर को नहीं, या जो अपोजिट, अगर हम इधर लेफ्ट साइड में है तो हम राइट ईयर का एग्जामिन करेंगे और जब राइट साइड में है तो लेफ्ट ईयर का एग्जामिन करेंगे। तो इस तरह से हम लोग एग्जामिन करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जामिन करते हैं। तो ये नोज में हम लोग सबसे पहला देखते हैं सिमेट्रिसिटी, जो नजल सेप्टम है उसको सिमेट्रिसिटी देखते हैं कि यह एक वे में है या नहीं। फिर उसके बाद हम लोग नोज में देखते हैं कि कोई प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, या फिर कोई प्रकार का ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, या फिर कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इन सभी चीज को हम लोग देखते हैं। और सबसे मेन बात क्या देखते हैं कि जब भी बेबी जब सांस ले रहा है तो उसका नेजल का जो आगे का जो पोर्शन है वो अगर सांस ले रहा है तो इन्फ्लाम कर रहा है कि नहीं, और फिर कंस्ट्रक्शन और एक्सपल्सन हो रहा है नोज का या नहीं, तो ये भी एग्जामिन करते हैं। उसके बाद नोज के बाद हम लोग एग्जामिन करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। तो माउथ में हम लोग एनी टाइप ऑफ मार्क, कोई मार्क तो नहीं प्रेजेंट है जो हम लोग देखते हैं। फिर देखते हैं कहीं लिप पैलेट तो नहीं हो चुका है, या फिर माउथ पैलेट तो नहीं है, या फिर टंग टाई तो नहीं है। टंग टाई करने का मतलब जो हमारा टंग है वो नीचे की ओर सटा हुआ रहे, वो ऊपर की ओर खुले, जैसे ये क्या खुल जा रहा है लेकिन उसका जो टंग है वो नहीं खुलता, उसी को क्या बोलते हैं, टंग टाइप बोलते हैं। और फिर बोला गया हम लोग को देखना है कि कहीं मिल्क टीथ वगैरह प्रेजेंस है या नहीं, उसको भी हम लोग को देख लेना है। उसके बाद एनी टाइप ऑफ डिस्चार्ज, कहीं कोई प्रकार का डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, चाहे वो ब्लड का हो चाहे किसी और चीज का डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, या फिर एनी टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन,
कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो उसके माउथ में नहीं है। इन सभी चीज को क्या करना है, देखना है और उसे नोट डाउन करते हुए चलना है। फिर बात करते हैं उसके बाद मौत के बाद हम लोग नेक का एग्जामिनेशन करते हैं। नेक को हम लोग रोटेट करके, बच्चे को हेड को रोटेट करके देखेंगे कि नेक का मूवमेंट हो रहा है सही से या नहीं हो रहा, या फिर नेक पे कोई मार्क तो नहीं है, बर्थमार्क तो प्रेजेंट नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे को क्या देखते हैं, ब्लैक कलर का इस तरह से सर्कुलर सर्कल रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बर्थमार्क बोलते हैं। तो कहीं बर्थमार्क तो प्रेजेंट तो नहीं है, या फिर कोई किसी भी साइड में जो नेक है उसके किसी भी साइड में ऑब्स्ट्रक्शन इन्फ्लामेशन तो नहीं हो चुका है, तो उस चीज को हम लोग क्या करना है, देखना है और नोट डाउन एग्जामिन करने के बाद नोट डाउन करना है। अगर है तो इन्फ्लामेशन प्रेजेंट इन राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, जिस साइड में है उस साइड में। अगर नहीं प्रेजेंट है तो नॉट प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लामेशन, उस तरह से लिखते हुए चलना है। फिर बात करते हैं जब नेक के बाद हम लोग चेस्ट का एग्जामिनेशन करते हैं, तो चेस्ट में सबसे पहला सिमेट्रिसिटी देखते हैं कि दोनों निपल्स है, दोनों निपल्स का सिमेट्रिसिटी एक लाइन में है या नहीं, उसको हम लोग चेक करते हैं। फिर उसके बाद एक्सपेंडेशन और कंस्ट्रिक्शन, जब बेबी सांस ले रहा है तब उसका जो और छोड़ रहा है, तो उस टाइम में जो दोनों चेस्ट, जो चेस्ट है वो सिमेट्रिकली उठ रहा है, अप और डाउन हो रहा है या नहीं, इस चीज को भी हम लोग को देखना है। उसके बाद टेक एपिकल पल्स, हम लोग को उसी टाइम में एपिकल पल्स बेबी का मेजर करना है। उसके बाद विच मिल्क देखना है, क्योंकि बच्चे का जब स्टार्टिंग जब बर्थ होता है तो उस टाइम में क्या होता है, निपल से विच मिल्क निकलता है, तो उसे देखना है कि हाँ है या नहीं है। और मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, अगर किसी बेबी में विच मिल्क निकल रहा है तो उसे बार बार उसके मिल्क को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि उसको आप बार बार मिल्क को आप निकाल रहे हैं जिसके कारण से बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है और आगे चलकर वो ट्यूमर का भी रूप ले सकता है। तो इसलिए कभी भी बेबी को अगर विच मिल्क आ रहा है तो उसे बार बार नहीं निकालना चाहिए। तो इस तरह से ये बात के विच मिल्क के बारे में। एंड लास्ट जो देखते हैं, एनी टाइप ऑफ मार्क, कहीं भी कटअप मार्क तो नहीं प्रेजेंट है, या फिर कहीं ऊंड तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, इन सभी को देखते हुए चलना है। और बर्थमार्क भी देखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे में चेस्ट रीजन में भी क्या चीज बर्थमार्क देखने को मिलता है। फिर चेस्ट के बाद हम लोग एब्डोमेन का चेक करते हैं। एब्डोमेन में सबसे पहला देखते हैं एब्डोमेन में किसी प्रकार का ओंडी या सब तो प्रेजेंट तो नहीं है, वो हम लोग देख लेते हैं, अस्कार मार्क देख लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अम्बिलिकल कोड है उसे हम देखते हैं कि जो अम्बिलिकल कोड सही से टाई अप किया हुआ है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे टाई अप करते हैं लेकिन क्लैंप खराब होने के कारण जो अम्बिलिकल कोड है उससे ब्लड वगैरह डिस्चार्ज होते रहते हैं, तो जिसके कारण से इन्फेक्शन ये सब होने के चांसेस रहते हैं, बेबी का ब्लड लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहला हमें क्या करना है, जो अम्बिलिकल जो क्लैंप किया हुआ है वो अच्छी तरह से है, टाई अप है या नहीं, उसको देखना है। फिर कोई उसमें कोई एनी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं लग रहा है, फिर उसके बाद कहीं कोई भी पस वगैरह या फिर डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, इन सभी चीज को क्या करना है, देखना है। तो इस तरह से देख लिए, और फिर क्या करना है, बेबी का अब इसके बाद में हम लोग बैक पोर्शन में एग्जामिन करते हैं, स्पाइनल कोड का हम लोग एग्जामिन करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो स्पाइनल कोड है एक सिमेट्रिकली एक स्ट्रेट वे में है, प्रेजेंस है या नहीं है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग चेक करते हैं, जब बेबी ब्रेथ लेता है तो उस टाइम में क्या होता है, ये एक्सपेंड जिस तरह से एक्सपेंड और कंस्ट्रिक्शन चेस्ट होता है उसी तरह से बैक पोर्शन भी एक्सपेंड और कंस्ट्रिक्ट करता है, तो उस चीज को भी हम लोग को देखना है। और सबसे मेन बात, जो बर्थ मार्क जो कमर के पास में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे मैक्सिमम केसेस में बच्चे में कमर के पास में देखने को मिलता है, तो उस चीज को भी हम लोग देखेंगे कि कहीं जो बर्थ मार्क है वो प्रेजेंट है या नहीं है, तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग हैंड में आते हैं, तो हैंड का एग्जामिन करने के लिए सबसे पहला देखते हैं दोनों हैंड जो है वो सिमेट्रिकली है या नहीं है, इस चीज को देखते हैं। फिर नंबर ऑफ फिंगर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी आप हॉस्पिटल ड्यूटी ये सब कर रहे हैं अगर आप काउंट करना भूल गए, अगर तो आप जब पेरेंट्स को जब जाएंगे जो बेबी को जब उनको देने जाएंगे तो कहीं सिक्स फिंगर रहा तो आप पे भी लगेगा कि नहीं मेरे बच्चा का तो फाइव फिंगर था, तो फिर आप कहां से बच्चे ला कर देंगे। तो इसलिए सबसे पहला हमें क्या करना है, बेबी का नंबर ऑफ फिंगर्स काउंट कर लेना है दोनों हैंड्स का, कि कितना फिंगर उसमें प्रेजेंट है। जो फिर क्या करना है, चेक करना है कलर ऑफ पाम, उसको देख लेना है। फिर मूवमेंट्स वगैरह देख लेना है, कोई एनी प्रकार का इंजरी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इन सभी चीज को देख लेना है, कोई उंड प्रेजेंट तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है,
इस सभी चीज को हम लोग देखते हैं। हैंड्स एग्जामिनेशन करने के बाद हम लोग फिर करते हैं लोअर लिम्स यानी पैर का एग्जामिनेशन करते हैं। लेग्स एग्जामिनेशन में हम लोग सेम चीज सबसे पहला देखते हैं जो लेग्स है वो दोनों सबसे पहला चेक है कि हाँ सिमेट्रिक दोनों इक्वल है या नहीं है। नंबर ऑफ फिंगर्स पैर में कितने फिंगर्स प्रेजेंट हैं उसको काउंट करके देखना है। एनी प्रकार का कोई प्रकार का ओंड तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है कहीं पे, उस सभी चीज को देखना है। कहीं कट मार्क्स तो प्रेजेंट तो नहीं है, वो सभी चीज को देखने के बाद में लास्टली हम लोग जेनाइटल्स पार्ट्स का एग्जामिन करते हैं। जेनाइटल पार्ट्स में हम लोग देखते हैं कि कहीं जो बेबी है उसका जेनाइटल जो ऑर्गन्स है वो सही से डेवलप है या नहीं है, या फिर किसी प्रकार का पस वगैरह डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, या फिर ब्लड डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, ये सभी चीज को देखते हैं। और फिर ये सबसे मेन चीज होता है कि बेबी अभी तक जो यूरिन पास आउट किया है या नहीं किया है, इन सभी चीज को हम लोग एग्जामिन करते हैं। और हाँ एक चीज में सॉरी मैं बताना भूल गया कि जो हम लोग क्या करते हैं जब पैर का एग्जामिन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि बेबी का पैर है वो क्लोज फुट है या फिर फ्लैट फुट है, तो उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं और एग्जामिन करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग न्यू बॉर्न असेसमेंट करते हैं। तो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर आपको पसंद आया तो, और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें क्योंकि जस्ट कल इसके बाद आपको जो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे वो प्रैक्टिकल मिलेंगे, मैं आपको डेमी पे करके फुल वीडियो में अपलोड करने वाला हूं। तो प्लीज फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।